जब तक ईवीएम है तब तक आप इन्हें नहीं हरा सकते। लिख लो आप, कॉपी किताब कितनी भी भर लो, आप जिसको भी वोट देना चाहोगे दे दो, वोट जानी उन्हीं के खाते में है। ये हाथ में भी वही है और दूसरे हाथ में भी वही है, सब कुछ उनके हाथ में। इसलिए बहुत सोच समझ के अपने बीच से लोगों को लाओ, उनको जिताओ और कम से कम कुछ लोग तो भेजो ताकि आपकी आवाज उठती रहे। जो संविधान बनाने की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि केवल इस संविधान के अनुसार चार लोगों को, यानी चार तरह के लोगों को वोट देने का अधिकार होगा। नंबर एक हिंदुओं को, नंबर दो बौद्धों को, नंबर तीन जैनियों को और नंबर चार सिखों को। तो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं और जो पारसी हैं और जो ईसाई हैं, इनको तो एक झटके में ही उन्होंने मताधिकार से वंचित कर दिया। और जब आपको वोट देने का अधिकार नहीं है तो आपको इलेक्शन लड़ने का अधिकार कैसे होगा, बताओ जरा मुझे। इस बात को जरा ध्यान से सोचे आप, अगर किसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं है तो उसे इलेक्शन लड़ने का, चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं है। यानी इस देश की इतनी बड़ी आबादी 20 करोड़ मुस्लिम समाज और तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा ईसाई समाज और पारसी समाज, यानी इतनी बड़ी संख्या को एक झटके में, अभी तो संविधान बना भी नहीं है जिसे बनाने जा रहे हैं, पहले ही उन्होंने कह दिया इतने लोगों को कोई अधिकार नहीं होगा। दूसरा, उनका कहना है कि राजधानी दिल्ली से बदलकर वो बनारस ले जाएंगे। और तीसरी चीजें जो आपको समझने की जरूरत है कि क्योंकि यह संविधान मनुस्मृति पर आधारित होगा और मनुस्मृति इस देश में, इस दुनिया में ऊंच नीच पर आधारित, भेदभाव पर आधारित, अन्याय और अत्याचार पर आधारित सबसे कुत्सित, सबसे बुरा एक ग्रंथ है जिस पर वो इस संविधान को बनाने की बात कर रहे हैं। और मनुस्मृति के हिसाब से अधिकार केवल तीन ही तरह के लोगों को है, केवल तीन। नंबर एक ब्राह्मण, नंबर दो क्षत्रिय और नंबर तीन वैश्य यानी बनिया समाज। केवल तीन को अधिकार है, किसी और को कोई अधिकार नहीं है। बाकी जितने भी लोग हैं वो शूद्र समाज के अंतर्गत आते हैं। तो मुसलमानों को उन्होंने एक साइड में कर दिया, ईसाइयों को कर दिया, पारसियों को कर दिया। अब नहीं कि ये जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं इन्हें कैसे काबू में रखा जाए, तो इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही भ्रमित भाषा का इस्तेमाल किया जो लोग समझ ही नहीं पाए। और वो उन्होंने किया कि मनुस्मृति पर आधारित संविधान होगा और हिंदू बौद्ध, तो हिंदू और बौद्ध या कि यहां के जो एससी एसटी और ओबीसी हैं वो अपने आप को हिंदू ही समझते हैं, जबकि उनकी नजर में जो आज तक आप पर हुकूमत कर रहे हैं, ना आप कल हिंदू थे, ना आज हिंदू हैं, ना ही आने वाले समय में हिंदू होंगे आप। अगर आप होते हिंदू और आप हैं हिंदू तो आपके ही अधिकार क्यों छीने जा रहे हैं, आप ही का रिजर्वेशन क्यों खत्म किया जा रहा है, हर जगह आपको कुछ ना मिल सके इसकी व्यवस्था क्यों की जा रही है। चाहे वो ओबीसी के लोग हो और चाहे एससी और एसटी के लोग हो, इस बात को बताएं कि अगर आप हिंदू हैं और आप केवल कहते ही नहीं है, आप सारे काम उन्हीं के हिसाब से करते भी हैं। जितने भी त्योहार हैं हिंदुओं के, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, दशहरा हो, भैया दूज हो, रक्षाबंधन हो, गणेश चतुर्थी हो, शिव की पूजा हो, लक्ष्मी की पूजा हो, जितने भी हैं
सारे हिंदुओं के त्योहार है, तुम्हारा कौन सा त्योहार है? एससी एसटी ओबीसी का कौन सा त्योहार है? कोई नहीं। तो तुम उन्हें मनाते हो, बावजूद उसके भी तुम्हें कोई अधिकार देने के वो पक्ष में न थे, न वो हैं और न ही कभी होंगे। ये तो भला हो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कि उन्होंने अपनी शिक्षा और ज्ञान के दम पर 3500 साल पुरानी जो व्यवस्था है उसको बदलकर आपको इंसान की तरह आप जी सके, लड़ सके, तरक्की कर सके, पढ़ सके आपके बच्चे, आपको अधिकार दे दिए। तो आपको सिर्फ ये कह के कि मनुस्मृति पर आधारित है वो, आपके भी सारे अधिकार खत्म होंगे। वोट का अधिकार आपको भी नहीं मिलेगा और वोट का अधिकार एससी एसटी ओबीसी को नहीं होगा तो चुनाव लड़ने का भी इनको अधिकार नहीं होगा, अगर ये अपने इरादों में सफल हो गए तो। क्या आपको नहीं लगता कि जब देश में एक संविधान लागू है उस संविधान के होते हुए उस संविधान को खत्म करने की बात हो रही है और मनुस्मृति पर आधारित संविधान की बात हो रही है, क्या ये देशद्रोह नहीं है? लेकिन कोई सरकार, न तो राज्य की सरकार न केंद्र की सरकार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। ये बातें इसलिए आपको बताना जरूरी है कि संविधान वाकई में खतरे में है और सरकार के जितने भी विभाग हैं, विशेषकर संवैधानिक विभाग हैं, जिनमें आप इलेक्शन कमीशन कह सकते हैं, जिनमें आप यूपीएससी को कह सकते हैं, ये जितने भी विभाग हैं जिसमें सीएजी को जो खर्च और इनकम का हिसाब किताब रखता है सीएजी, ये सारी की सारी संस्थाएं सिर्फ और सिर्फ सरकार की गुलामी कर रही हैं। आज की तारीख में यह संविधान के हिसाब से जो इनकी जिम्मेदारी है देश के प्रति, देश की जनता के प्रति, उससे पूरी तरह से दूर हो चुके हैं। इसलिए संविधान पर खतरा। प्रधानमंत्री मोदी धोखा देने के लिए आपको वैसे तो कितनी ही बातें बताएं, चाहे 15-20 लाख रुपए का मामला हो, चाहे 2 करोड़ नौकरियों का मामला हो, चाहे डिजिटल इंडिया का मामला हो, चाहे जो स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, कुछ भी हो, चाहे किसानों की आमदनी 2022 अब जाने वाला है इस तक दुगनी करने की बात हो, ये झूठ तो बोला ही बोला। लेकिन आपको धोखा देने के लिए जिस समय पहली बार प्रधानमंत्री मोदी संसद में गए तो संसद की सीढ़ियों पर सर झुकाकर नमन किया, लेकिन उसके बाद जिस तरह से संविधान को, देश की संसद को, देश के देश की जनता को धोखा दिया वो किसी से छुपा नहीं। इसलिए संविधान खतरे में, इसलिए संविधान को बचाना जरूरी है। और संविधान केवल बीजेपी की वजह से खतरे में नहीं है, बीजेपी के साथ साथ जिसके विषय में अभी बताया केजरीवाल, वो मोदी का भी बाप है इस मामले में झूठ बोलने में, उल्टे मतलब यूटर्न करने में और लोगों को धोखा देने में वो उसका भी जो है गुरु है। इन सब से खतरा है। आप भूले तो नहीं होंगे, आपको याद होगा केजरीवाल ने 70 वादे किए थे आपसे, 70 भूले तो नहीं हो? गिन के बताओ कितने वादे पूरे किए, गिन के एक एक करके आप बताओ, गिनो उंगलियों पे कि आपसे कितने वादे पूरे किए। और दो चीज आपको दी जा रही है, एक बिजली और एक पानी फ्री दिए जा रहे हैं फ्री। और मैं समझता हूं लोग इतने एहसानमंद हैं उस व्यक्ति के जैसे वो अपनी जेब से दे रहा है कि इसी पे बीजेपी को हराने के लिए उसे वोट देते चले आ रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि हम कितना भी चीख लें, कितना भी बता दें, कितना भी सच्चाई आपको दिखा दें, आप फिर भी बिजली पानी फ्री होने की वजह से इस एनसीपी के चुनाव में भी वोट केजरीवाल को ही दोगे। लेकिन हम भी अपनी आदत से बाज नहीं आते, हम भी बोलते रहेंगे। यह है स्थिति। कैपेसिटी देता मैं छोड़ देता हूं डीसी कपिल साहब पर, वो बहुत, क्योंकि वो इंजीनियर रहे हैं, इसी बिजली विभाग में इंजीनियर रहे हैं और बिजली विभाग की जो जनरल समाज की जो एसोसिएशन थी इंजीनियर्स की उसके महासचिव रहे हैं।
यही बताएंगे आपको हर चीज कि किस तरह से कितने पैसे की बिजली दे रहा है वो आपको, कितने पैसे की आपको पानी दे रहा है, और सिर्फ ये चीज देके कितना पैसा आपका आपसे लूट ले रहा है, ये वही सारी चीजें बताएंगे। पर मैं आपको कुछ और चीज बताना चाह रहा हूं, एक दो चीज आपको बताऊंगा केजरीवाल के विषय में, मैं समझता हूं उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अभी बहुत बढ़िया बताया था हाजी गुलाम सरवर साहब ने कि दो चार स्कूल है उनके ही फोटो दिखा के और शिक्षा में इतना क्रांतिकारी बदलाव किया, ये किया वो किया, उसे दुनिया भर में भुना रहे हैं, उसको बताते रहते हैं। केजरीवाल के वीडियो निकाल के देखिए, हम जो भी बोलते हैं पूरे प्रमाण सहित तथ्यों के आधार पर बोलते हैं, वैसे नहीं बोलते हम। तो केजरीवाल के वीडियो निकाल के देखिए, केजरीवाल ने कहा है कि हमने जिस तरह से शिक्षा में सुधार किया है, दिल्ली में स्कूलों की हालत जैसी सुधारी है, 4 लाख बच्चे जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे वो सरकारी स्कूलों में वापस आ गए, यानी सरकारी स्कूलों में उन्होंने दाखिला लिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो 4 लाख बच्चे प्राइवेट में पढ़ते थे अब वो सरकारी में अगर आ रहे हैं तो स्कूलों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी कि नहीं, स्कूल ज्यादा चाहिएंगे कि नहीं, कहां से बैठाओगे उन 4 लाख बच्चों को, जगह चाहिए, स्कूल चाहिए, कोई नया स्कूल बना क्या, एक बार कोई नया स्कूल बना है, नहीं बना, जो पुराने हैं उन्हीं को जैसे किया गया उसी के आधार पर यह राजनीति की जा रही। दूसरा, 50 स्कूल बंद किए जा रहे हैं, आप जाके देखिए वेबसाइट पर पता लगे आपको, नेट पे जाके देखिए 50 स्कूल दिल्ली में बंद किए जा रहे हैं। तो आप एक सवाल ये पूछो, अगर 4 लाख बच्चे आ रहे हैं तो ये 50 स्कूल बंद क्यों किए जा रहे हैं, 50 और ज्यादा क्यों नहीं बनवाए जा रहे हैं? इससे साफ जाहिर है कि कोई सुधार नहीं हुआ, कुछ बच्चे नहीं आए, केवल और केवल आपको मूर्ख बनाया जा रहा है ताकि आप इसी भ्रम में पलके केजरीवाल को अच्छा मारते रहो कि केजरीवाल ने आपके बच्चों का जीवन सुधार दिया, क्योंकि आपके पास समय नहीं है सच जानने का। सही बातें, सही आंकड़े आपके पास आ जाएं, इसको आप जानना नहीं चाहते, आप केवल और केवल फ्री बिजली पानी में ही मस्त हो, और इसी का फायदा ये सारे राजनीति वाले, चाहे बीजेपी वाले हो और चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये सब इसका फायदा उठा रहे हैं। ये जानना समझना आपको पड़ेगा। मैं जैसे बार बार कहता हूं, अभी मैं सुन रहा था हमारे साथी सामने खड़े हॉकर्स फेडरेशन वाले संदीप जी, वो कह रहे हैं हमें किसी से मतलब नहीं है, कोई भी आए हमारा तो भैया हमारा काम करना चाहिए, हमें संघर्ष करना है। संघर्ष तो आप कर रहे हो ना, मिला क्या आपको, इतना समय से संघर्ष तो कर रहे हो, मिला क्या आपको, मिलेगा भी नहीं आपको जब तक आपकी समझ में यह बात नहीं आएगी कि जो सरकार हो सरकार हम ऐसी बना के भेजेंगे जो वाकई में हमारे लिए काम करे, और उसमें ऐसे नुमाइंदे भेजेंगे जो हमारे बीच से जाएं, जो हमारा दर्द समझते हो, जो हमारा दुख समझते हो, हमें जानते हो, हमारी समस्याओं को जानते हो, और उन्हें हल करने के लिए ईमानदारी से काम करें, ऐसे लोगों को भेजोगे तो ही होगा, बिना इसके नहीं होगा। सरकार के बिना कुछ नहीं होता। 72 साल हो गए, 72 साल से भी ज्यादा हो गए आपको सरकार देखते देखते, किस सरकार ने काम किया आपके लिए? 2013 में ये कानून बना था आपका, कांग्रेस की सरकार थी, जिस हॉकर्स की बात कर रहे हो आप, ये कानून उसी समय बना था ना, 9 साल जिसको हो गए, क्या हुआ, क्यों लागू नहीं हुआ 9 साल में? और बीजेपी, बीजेपी क्यों करेगी, बीजेपी तो आपको मिट्टी में मिलाना चाहती है। केजरीवाल, केजरीवाल क्यों करेगा, वो तो उन्हीं का भाई है भाई, किसकी पैदाइश है केजरीवाल, आरएसएस की पैदाइश है, अन्ना के आंदोलन से पैदा है ना, तो अन्ना किसका आदमी है, आरएसएस का आदमी, बीजेपी का आदमी, सारे पैसा, सारे आदमी, सारी सुविधाएं, सारा मीडिया उसके अन्ना के आंदोलन में सब आरएसएस का था, तो तुम्हारे लिए काम क्यों करेगा? और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि जो नोट पर गणेश और लक्ष्मी छपाना चाह रहा है वो आरएसएस का आदमी, तुम्हारा कहां से है वो,
समझना पड़ेगा। राजेंद्र पाल गौतम की बात करें, यहां बैठे हुए एक साथी हैं, वो जो कहा कि 10,000 लोगों ने जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, राजेंद्र पाल गौतम की बात मैं कर रहा हूं। राजेंद्र पाल गौतम का विभाग, जिस विभाग में मंत्री था, 20,000 करोड़ रुपया, अब तो बढ़कर 50,000 करोड़ हो गया। रुपए की बात कर रहा हूं मैं, 20,000 करोड़ पिछले 5 साल में जब इसकी सरकार रही केजरीवाल की, शेड्यूल कास्ट का यानी तुम्हारा पैसा खा गया, जिसका हिसाब नहीं है आज तक। भाई महमूद पराचा ने उनके खिलाफ में जो है हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा डाल रखा है, और ये सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत राजेंद्र पाल गौतम के ही विभाग ने हमको दिए हैं, इनके पास है ये बता देंगे। तो ऐसे लोग आपका भला करेंगे? नहीं, ये केवल आपको लूट कर खाते रहे हैं और खाते रहेंगे जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक आप समझकर उस तरफ आगे नहीं बढ़ोगे, कदम नहीं बढ़ाओगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। और मैं बार बार कहता हूं, दिल्ली में 3 तरह की सरकार चलती है, एक केंद्र सरकार जिसमें मोदी जी कब्जे में है, एक राज्य सरकार जहां केजरीवाल कब्जे में है, और एक तीसरी सरकार एनसीपी की सरकार जिसके चुनाव होने वाले हैं 4 दिसंबर को, जिसकी घोषणा हो चुकी है। ये 3 सरकारें हैं, आपके पास में मौका है कि इस तीसरी सरकार के लिए जो चुनाव हो रहा है, यहां आप अच्छे लोगों को भेजकर कम से कम एक आवाज मजबूती के साथ उठाने का प्रयास करें। तुम सड़क पर कितने भी चिल्लाते रहो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। संविधान को अगर बदला जाएगा या संविधान की अगर रक्षा होगी, तो सड़क पर किसी हालत में नहीं हो पाएगी, वो रक्षा होगी वहीं पर संसद में बैठकर, जब आपके सांसद पहुंचेंगे, एमपी पहुंचेंगे, जब आपके एमएलए पहुंचेंगे, जब आपके काउंसलर वहां पहुंचेंगे, वहीं होती है सब कुछ। सड़क पर आंदोलन होता है लोगों को जगाने के लिए, और वो आपके बस की नहीं है, आप पूरी तरह से मर चुके हो। मैं यही शब्द कह रहा हूं इस्तेमाल, जैसे जो है उनका जमीर मर चुका है, आप भी, इस देश की जनता भी पूरी तरह से मर चुकी है, जिंदा लाशों के अलावा कुछ नहीं है, वो केवल इतना ही है। इसलिए साथियों, इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है। अभी हमारे साथी एक बात बहुत बढ़िया उन्होंने कही, बड़ा जोश आता, बड़ा बढ़िया लगती है बात जब कही जाती है, कि आप ये चंद मनुवादी लोग हैं, इनकी संख्या 15% है, इन्हें आप वोट देकर हरा सकते हो। बिल्कुल हरा सकते हैं, पर जब तक ईवीएम है तब तक नहीं हरा सकते। जब तक ईवीएम है तब तक आप इन्हें नहीं हरा सकते। लिख लो, आप कापी किताब कितने भी भर लो, आप जिसको भी वोट देना चाहोगे दे दो, वोट जानी उन्हीं के खाते में है। उन्हें किसको जिताना किसको हराना ये वो जानते हैं, बैठ के सारे काम करते हैं, और आप आंख पे पट्टी बांध के बस जिए जा रहे हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, इसलिए लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इस चुनाव व्यवस्था को सुधारने के लिए, और बातों के साथ साथ ईवीएम और वीवीपैट मशीन को हटाना बहुत जरूरी है। अगर इसे नहीं हटाओगे तो इतने ही नहीं, बस 2024 तक की बात है, 2024 में बीजेपी के आने के बाद ही तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे, इस देश में लोकतंत्र समाप्त होकर राष्ट्रतंत्र की स्थापना होगी, और फिर उसके बाद आप गुलामों की तरह जिंदगी जियोगे। दो ही तरह के लोग होंगे, या तो गुलामों की तरह जिंदा रहोगे, और या जो गुलाम नहीं बनेंगे वो लड़ेंगे और मरेंगे, मारेंगे, यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए इसे अगर बचाना है, इस देश को, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना है, तो ईवीएम को हटाना बहुत जरूरी है। हम लगातार आंदोलन करते हैं, लोग नहीं आते, एक तरीका निकाला है, एक फॉर्म बनाया है, उस पर लोगों के दस्तखत करवा रहे हैं, उनका नाम, वोटर आईडी नंबर, उनका मोबाइल नंबर,
और फिर उनके दस्तखत, सिर्फ इतनी चीजें चाहिए। फॉर्म लाया हूं मैं, गाड़ी में रख के अभी निकलवाता हूं, आपको दूंगा, सब लोग लेके जाना। और एक फॉर्म पर आगे पीछे 25 लोगों के दस्तखत होते हैं, नाम लिखे जाते हैं 25 लोगों के। आप चाहे उस फॉर्म की फोटोकॉपी भी करा सकते हैं, आपके पास नहीं है फोटोकॉपी कराने के लिए, पैसा मैं ही दे दूंगा, जितने भी फॉर्म चाहिए यहां से लेके जाना, कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन ईवीएम को हटाना जरूरी है, और इसलिए करा रहे हैं हम कि इस देश में कुल 90 करोड़ मतदाता हैं, इनमें से लगभग 65% वोट पड़ता है, यानी 60 करोड़ के लगभग लोग वोट देते हैं। इन 60 करोड़ में से 25 से 30 करोड़ लोग अगर इस दस्तखत वाले हस्ताक्षर अभियान में हमारा साथ दे दें, आते तो है नहीं लेकिन अगर इसमें भी हमारा साथ दे दें, तो तब हम सुप्रीम कोर्ट के सामने उसे ले जाके प्रदर्शन करके और सुनवाई करवाकर इस ईवीएम को हटवा देंगे, अगर आप इसमें साथ दोगे तो। लेकिन लोग डरते बहुत है, पता नहीं कहां क्यों डरते हैं, ये आज तक समझ में नहीं आया। हालांकि एक शायर ने बड़ी बढ़िया बात कही कि भाई हमने तो कब्रिस्तानों में उनकी भी कब्र देखी जो डर के घरों में भूसे बैठे रहे, वो भी कब्रिस्तान में दफन, शमशानों में उनकी भी चिताएं जली जो डर के मारे कांपते थे, घरों में बैठे रहे, कभी किसी लड़ाई में किसी आंदोलन में कभी निकल के नहीं आए, वो भी रहे। और भैया जो लड़े उनकी चिताओं पर तो आज भी जो है आप समझते हैं मेले लगते हैं, जो लड़े और मरे समाज के लिए, लोगों के लिए। इसलिए साथियों इस बात को समझना बहुत जरूरी है, ये दोनों ही लोग बीजेपी और केजरीवाल दोनों आरएसएस के ही लोग, दोनों सिर्फ उन्हीं के लिए काम करते हैं। और केजरीवाल को सिर्फ इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि केजरीवाल बढ़ते बढ़ते इतना मजबूत हो जाए ताकि लोग अपने आप कहने लगे कि भैया बीजेपी को हराना है तो केजरीवाल को वोट दो, ये ही हरा सकता। जैसे मुसलमान वोट देते हैं कि बीजेपी को हराना तो इनको वोट दो भैया, देते नहीं देते। सो इसीलिए उसे खड़ा किया जा रहा है। और फिर जैसे ही आप इस जाल में फंसोगे, इस झांसे में आओगे, तो चाहे तुम बीजेपी को वोट दो, मोदी को दो, और चाहे केजरीवाल को दो, तुम्हारी वोट जाएगी आरएसएस के ही खाते में। ये हाथ में भी वही है और दूसरे हाथ में भी वही है, सब कुछ उनके हाथ में। इसलिए बहुत सोच समझ के अपने बीच से लोगों को लाओ, उनको जिताओ, और कम से कम कुछ लोग तो भेजो ताकि आपकी आवाज उठती रहे, आपकी लड़ाई चलती रहे। हम पिछले 5 साल से लगातार लड़ रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो 2017 में आंगनवाड़ियों का बहुत जबरदस्त आंदोलन 2 महीने चला। उत्तर प्रदेश में हर दिन कंधे से कंधा मिला के मैं उनके साथ था, उनकी लड़ाई लड़ी। और उसके बाद से 2017 के बाद से 2018-19 लगातार लड़ते रहे, चाहे सीएनआरसी का आंदोलन हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे मजदूरों का आंदोलन हो, लगातार उनके साथ लड़ते रहे। आप हमें देखते भी हो, जानते भी हो, सुनते भी हो, प्रशंसा भी करते हो, आपके सामने है। आपको लगता है कि हम जो बात कर रहे हैं सही कह रहे हैं, आपको लगता है कि हम आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं, तो बात हमारी समझिए और मानकर उस पर अमल करने का प्रयास कीजिए, वरना आपकी इच्छा है जैसा आप करना चाहें करें। साथी हो बात बहुत है कहने की, लेकिन और साथी हैं, समय भी काफी हो रहा है, तो मैं अपनी बात को जल्दी ही खत्म करूंगा, लेकिन आपसे एक निवेदन करूंगा साथियों आपकी लड़ाई आप ही को लड़नी पड़ेगी, ईमानदारी से लड़नी पड़ेगी। अगर आप ये जो दौर शुरू हुआ है 1 महीने का, इसमें बहुत लोगों को दारू पिलाई जाएगी, पैसे दिए जाएंगे, इस 1 महीने में जितने की दारू पी सकते हो पी लो, और अगर कहीं से ज्यादा मिल जाए तो घर में भी रख लो, लेकिन उसे भी कितने दिन तक पियोगे ये भी आप समझ लेना। जितने पैसे आपको दिए जाएंगे वो पैसे भी आप ले लोगे तो कितने दिन गुजारा होगा, और जो फ्री में आपको दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, आपसे इतना सारा लिया जा रहा है और मुट्ठी भर के आपको दिया जा रहा है, बाकी सब लूट लिया जा रहा है। अगर इसी में आपको वोट देनी है तो आपको तबाही से कोई नहीं रोक सकता, आपकी तबाही
होनी होनी कोई नहीं बचा सकता। और अगर आप वाकई में कुछ बदलना चाहते हैं, कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, तो हमारा साथ दीजिए और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए। साथियों, मुस्लिम समाज के भाइयों से एक बात, कोई कहेगा नहीं, मैं कह रहा हूं आपसे, आप वोट देते हो बीजेपी को हराने के लिए, यही ट्रेंड है आपका। पूरे भारत में आपसे किसी को वोट मांगने की जरूरत नहीं है, कोई मांगता भी नहीं आपसे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो बीजेपी को हराने की स्थिति में होगा, मुस्लिम वोट सारा उसी को मिलेगा। हो गया काम, तो फिर आपके पास क्यों जाएगा कोई, क्योंकि आपने तो पहले से ही तय कर रखा है ना, वो आप ही सोचेंगे कि कौन हराने वाला है, आप ही को तय करना है, तो कोई क्यों जाएगा वोट मांगने। और बीजेपी जाएगी नहीं, क्योंकि उसे तो मालूम है हमें तो देंगे नहीं, हमें तो हराने के लिए वोट देंगे। तो बीजेपी ने तो आपको टिकट देना भी बंद कर दिया है, इसलिए काम खत्म। और इसलिए जो संविधान उनका बन रहा है उसमें आपका वोट का अधिकार ही खत्म कर दिया, ना रहेगा पास ना बजेगी पास, होगा ना काम। और दूसरा, जिसे आप वोट देते हो वो आपकी बात क्यों सुनेगा, उसे तो मालूम है ना, मैं कहा थोड़ी था इन्होंने तो अपने आप दी थी, तो जब आप अपने आप ही वोट दिया है उन्हें, तब वो तुम्हारी बात क्यों करेगा, क्यों मानेगा। इसीलिए हर कोई आपको मूर्ख बना रहा है, हर कोई आपको धोखा दे रहा है, तो समझना आपको है, ये पक्की बात है। मैं भी इस बात को कहता हूं बार बार, बीजेपी को हराना बहुत जरूरी है, देश के लिए सबसे खतरनाक पार्टी, सबसे खतरनाक लोग अगर है तो बीजेपी के हैं, उसको हराना निश्चित है, बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ उन्हें भी हराना जरूरी है जो बीजेपी के ही दूसरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, बराबर के भाई हैं और आरएसएस के लोग हैं, यानी बीजेपी और केजरीवाल, इन दोनों पार्टियों का सुपड़ा साफ करना बहुत जरूरी है। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, एक बार, दूसरी बार मुस्लिम समाज से मेरी निवेदन है, जिसको भी वोट दो उसे कहकर दो, हमारा परिणाम चाहे जो भी हो चुनाव का, पर हमें आपकी बात सही लगी, अब आप आदमी सही लगे, हम आपके साथ में खड़े होंगे। हारो या जीतो, कम से कम वो आदमी तो एहसानमंद रहेगा आपका, वो आदमी तो आपके लिए लड़ेगा। हम आपकी आवाज उठाते हैं, सारे लोग आपकी आवाज उठाते हैं, पर जब आप हमारे साथ ही नहीं हो, हमारे कहने से वोट ही नहीं देते, तो भैया आप जो मन में आता है करते रहो, मैं क्यों आपकी चिंता करूंगा। मुझे तो मालूम है कि आपको वोट देनी है बीजेपी को हराने के लिए, मेरे कहने से तो दोगे नहीं। इस बात को समझने की जरूरत है, जिसको हराना है हराना है, जिताना किसको है इसको भी सोचो समझो और तब उसका साथ में दो। वो हारे या जीते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आदमी अगर मजबूत हुआ, ईमानदार हुआ, निडर हुआ, तो आपकी लड़ाई लड़ेगा अंतिम सांस तक और आपका बाल भी बांका होने देगा नहीं। इस तरह से काम करो। आप सब आए यहां, बहुत अच्छी संख्या आप सारे साथियों की है, बहुत ही देर से आप लोग लगातार सुन रहे हैं मीटिंग को, लोगों की बातें सुन रहे हैं, कभी और मौका मिलेगा फिर बात करेंगे। लेकिन अब आखिर में इसी बात को कहते हुए, आने वाले चुनाव में कॉरपोरेशन का चुनाव भी छोटा चुनाव नहीं है, कॉरपोरेशन के चुनाव में भी एक, यहां पे एक चीज है जो आपको समझने की जरूरत है, एक विधायक को अपने क्षेत्र में काम कराने के लिए 2 करोड़ रुपए साल में मिलते हैं, 2 करोड़ रुपए साल के, अब हो सकता है ज्यादा हो पर मेरी जानकारी इतनी ही है, 5 मिल गए, 5 हो गए, 5 हो गए, तो कॉरपोरेट के जो उसे 5 तो हो गए होंगे, अच्छा उसके भी 2 हैं, तो उसके 3 की मिला लो तो ज्यादा हो गए, पहले 2 थे और कॉरपोरेशन जो था उसके काउंसलर के 2.25 लाख रुपए थे जो उसको विकास कार्यों के लिए मिलते थे। तो ये कॉरपोरेशन का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। 2.25 करोड़ तो कह रहा हूं, लाख बोल दी, नहीं 2.25 करोड़, करेक्शन, 2.25 करोड़ रुपए मिलते हैं अपने क्षेत्र में, और उसका क्षेत्र एमएलए के क्षेत्र से 1/3 है, इतना पैसा मिलता है, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण एक चुनाव है। उस चुनाव को बहुत सोच समझ के वोट दीजिए
और अच्छे लोगों को जिताइए, अच्छे लोगों को राजनीति में लाइए और मजबूत बनिए और मजबूत सरकार और अपने आप को बनाइए।